और आसिफ जरदारी मुफाहमत की सियासत के कारीगरों के इमाम हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और फरागोगी के सुसर चौधरी इकबाल का कहना है कि बुशरा बीबी और फरागोगी खवातीन के उस गैंग का हिस्सा हैं जो राइजिंग स्टार्स को जाल में फंसाता है। उनके बेटे और चेयरमैन पीटीआई को ट्रैप किया गया। चौधरी परवेज इलाही अपने बेटे के हाथों ट्रैप हो गए, जबकि वफादारी बदलने वालों की एस्टेब्लिशमेंट में कोई माफी नहीं। कुछ ग्रुप है खवातीन का कि जो राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको काबू कर लेती हैं, ये ग्रुप है। इस तरह देखे ना, मैं तो मेरा बेटा तो चलो फिर छोटे लेवल पे है, उनके साथ क्या हुआ। बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा सियाणा बंदा है और इतनी हाई पोजीशन में चला गया है, कुछ तो उसमें गट्स होंगे ना, तो वो कैसे उस चक्कर में आ गया। तो फरा भी उसी ग्रुप का हिस्सा था। हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या शक शुबा है कोई। और बुशरा भी इसी ग्रुप का। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो एक मजहबी खतून और वो जो चीज़ें, मैं उनको गैर मजहबी कह रहा हूँ। तो जब ये शादी होने लगी थी आपको पहले पता चल गया था फियर का या? ना ना, हमें कब पता चला, हमें बेटे ने हमसे चोरी सारा काम किया, जब हमें पता चला हमने बड़ा रिएक्ट किया। क्या रब्ता नहीं है अपने? नहीं नहीं कोई नहीं, बेटा कभी उसका दिल करे तो कुछ 6 महीने साल बाद कभी सलाम कर ले कर ले, बाकी कोई रब्ता नहीं। चौधरी परवेज इलाही आपके दरीना साथी, इकट्ठा आपने अपना पंजाब असेंबली से कह दिया स्टार्ट किया। चौधरी साहब भी अपने बेटे से ट्रैप हो गए हैं, परवेज इलाही साहब बड़े धना बड़े सियाने बंदे हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्ट हैंड पे वो नहीं गए सारी ज़िंदगी। उन्होंने सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखा है और उनको इंजॉय किया है। बिट्रे की माफ़ी है या नहीं? बंदा मुखालफ को माफ़ कर देता है, बिट्रेयर को नहीं करता। शहबाज साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मफाहमत का बयानिया है, वो खुद कहते हैं मैं 30 साल से, मुझे कहते हैं कि मैं ताला हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, और नवाज शरीफ कहीं कहीं जो है वो अड़ जाते हैं चीज़ों का, तो दोनों में ठीक कौन है? अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक हैं। जहाँ तक मुफाहमत की पॉलिसी का तल्लक है, उसमें जरदारी साहब बहुत बेहतर है, मैं अब भी कहूँगा वो बहुत बेहतर है, और वो इसमें इस स्कूल ऑफ थाट के ना वो मैं समझता हूँ कि पूरे प्लेयर हैं, और जिसको कहते हैं ना कारीगर, कारीगरों के इमाम है वो जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब अगर इंतहाबात से कबल पाकिस्तान नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून की सियासत कहाँ स्टैंड करती? मुस्लिम लीग नून की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा और नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ का जो इमेज है, जो एक करिश्मा है, जो उनमें वोट कैचिंग पावर है, उससे फिर पार्टी महरूम हो जाएगी। हुकूमत लेना दुरुस्त था? दो स्कूल ऑफ थाट हैं, कुछ तो कहते हैं हुकूमत लेने से हम हीरो से ज़ीरो हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि दुरुस्त इकदाम है, और दुरुस्त इकदाम कहने वाले थोड़े हैं, जो कहते हैं हम हीरो से ज़ीरो हो गए हैं वो ज़्यादा हैं।